आपके हाथ जो हैं शोल्डर डिस्टेंस पे पैरेलली ओपन रहेंगे, आप ऐसे पीछे बेंड होंगे, तो आपने दो तीन बातों का ख्याल रखना है। पहला ये कि जो आपका ब्रेथ मूवमेंट होगा वो ब्रीद इन करते हुए होगा, यानी कि प्राणायाम आसन से जब ऊर्ध्व हस्तासन में आप जाएंगे तो ब्रीद इन करते हुए जाएंगे और उतना ही बेंड होना है जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपने अपनी लोअर बैक को बेंड करना है और जब आप बेंड करें तो ध्यान रखें जो आपके घुटने हैं वो स्ट्रेट रहेंगे। बहुत सारे लोग जब बेंड करते हैं ना उनके घुटने भी बेंड हो जाते हैं, तो आपने अपने नीज़ को, घुटनों को बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट टक्ड इन रहेंगे। आपने अपनी लोअर बैक से ऐसे बेंड होना है। तो दूसरा आसन है ऊर्ध्व हस्तासन। आपने प्राणायाम आसन किया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऊर्ध्व हस्तासन किया, ब्रीद इन, उसके बाद आप यहाँ से सीधे जाएंगे नीचे पाद हस्तासन में, ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद आउट पाद हस्तासन। जब आप पाद हस्तासन में जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो कोई कंपल्शन नहीं है या ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपने जब पाद हस्तासन में नीचे जाना है तो अपने पैरों को और पंजों को वन लाइन में रखना है। जनरली जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है उनके पंजे और उनके हाथ दोनों वन लाइन में रहते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है और आपका जो पहला एक्सरसाइज है या जो पहला योगाभ्यास है वो सूर्य नमस्कार से शुरू हो रहा है तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप उतना ही बेंड हो जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जितने में आप कंफर्टेबल हो। अगर आप इतना बेंड हो पा रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो गुड, इतना बेंड हो पा रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो फाइन, अगर आप इतना बेंड हो पा रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड। लेकिन आपको कोई प्रेशर नहीं, कोई रश नहीं है, आप उतना ही बेंड हो जितने में कंफर्टेबल हो। जब आप ब्रीद आउट करते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे पाद हस्तासन में तो आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं। बहुत से लोग नीचे झुकने के चक्कर में घुटने मोड़ लेते हैं, तो घुटने नहीं मोड़ने हैं। अगर नीचे ज़्यादा नहीं झुका जा रहा है तो इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो जितना आप झुक पाएँ उतना ही झुकें मगर आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे। इसके बाद जो चौथा आसन है पाद हस्तासन के बाद वो है अश्व संचालन आसन। उसमें क्या होगा, आपका जो राइट लेग है वो पीछे जाएगा, आपका घुटना ज़मीन पर होगा, आपका पंजा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिस इज़ इन दिस इज़ आउट, बाहर की तरफ, और जो आपका लेफ्ट लेग है वो और आपके दोनों पंजे वन लाइन में होंगे। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो ऐसे रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम है कंफर्टेबल नहीं है तो आप फोर फिंगर्स को मैट पे प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद अश्व संचालन आसन में जब आप देखिए पाद हस्तासन से अश्व संचालन आसन में आप जाएंगे तो आपने ब्रीद इन करना है, नाक से सांस भरनी है और ब्रीद इन करते हुए अगर बैक की नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो इनर थाई है इस तरफ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप ऊपर देख सकते हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप सामने देखिए। और इस आसन के फ़ायदे की मैं बात करूं तो ये जो भी स्टोर्ड इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी में, खासकर हमारे लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, तो उन इमोशंस को रिलीज़ करने में, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को रिलीज़ करने में ये आसन बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके लोअर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेशर फील कर रहे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके राइट थाई में ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ आ रहा होगा, उसके बाद आपको लेफ्ट थाई में अंदर की तरफ प्रेशर फील हो रहा होगा, साथ ही आपको प्रेशर आपकी बैक में फील हो रहा होगा। अगर आपको इन पॉइंट्स पे प्रेशर फील हो रहा है इसका मतलब आपका जो स्ट्रेच है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा फील नहीं करना है क्योंकि इनिशियली हमारी बॉडी इन आसनों के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, धीरे धीरे हम आसनों के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो मैं अगला आसन आपको बता रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि योगा की भी अलग अलग पद्धति हैं। एक पद्धति में इस आसन को एक तरीके से किया जाता है, दूसरी पद्धति में दूसरे तरीके से। अगर स्वामी रामदेव वाली मैं पद्धति की बात करूं जो तो अश्व संचालन आसन के बाद जो अगला आसन होता है वो है आपका फिर ये वाला पैर जब आपका ज़मीन पर प्लेस्ड रहेगा तो आपका सबसे पहले आपने इसे इनवर्ड्स लाना है, अपने फुट को इनवर्ड्स लाना है, राइट फुट को घुटना उठाना है, उसके बाद अपना लेफ्ट लेग राइट लेग के पास लेके जाना है, आपके हाथ बिल्कुल सामने रहेंगे, आपने अपनी टेल बोन को ऊपर की तरफ ले जाना है,
अपने हाथों से जमीन पर प्रेशर देते हुए अपनी नेक को अपने हाथों के बीच में पैरेलली प्लेस्ड करना है। ये है पर्वतासन। जब आप ये आसन करेंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे। एक बार फिर से अश्वसंचालनासन। अश्वसंचालनासन से जब आप पर्वतासन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो फुट है वो अंदर की तरफ आएगा इनवर्ड्स, नी आपका रेज्ड होगा, प्रेशर आपके हाथों पे आएगा, पूरे पंजे ज़मीन पे होंगे, जो लेफ्ट लेग है वो पीछे राइट लेग के पास जाएगा, पूरे पैर ज़मीन पर लगे हुए होंगे और आपके हाथ ज़मीन को पुश करते हुए आपकी गर्दन को दोनों हाथों के बीच में ऐसे प्लेस्ड करेंगे। ये है ब्रीद आउट करते हुए पर्वतासन। पर्वतासन एक तरीका है। कुछ पद्धति ऐसी भी है योग की जो अश्व संचालन आसन के बाद दंडासन करते हैं। तो अब अश्व, अगर आप दंडासन करने में कंफर्टेबल हैं, पर्वतासन में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये ऑब्लीक है, यानी कि आप अश्व संचालन आसन के बाद पर्वतासन भी कर सकते हैं, दंडासन भी कर सकते हैं। दोनों ही आसन जब आप करें तो आप ब्रीद आउट करेंगे। अब दंडासन कैसे करें, आपके दोनों हाथ ज़मीन पर प्लेस रहेंगे, आपका जो फुट है वो इनवर्ड्स रहेगा, फिर आपने अपने घुटनों को उठाना है, आपका जो लेफ्ट पैर है वो पीछे जाएगा ऐसे, और आप प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, आपका आई का गेज सेंटर में रहेगा। उसके बाद आप अपने नी, चेस्ट और चिन को ज़मीन पर प्लेस करेंगे ऐसे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, आप ऐसे दंडासन में हैं, आप अपने नी यानी घुटने, चेस्ट, छाती, चिन को ऐसे ज़मीन पर प्लेस करेंगे। ये है नेक्स्ट आसन। तो जब आप चाहें तो दंडासन से या फिर अश्व संचालन आसन के बाद पर्वत आसन करते हुए आप साष्टांग आसन कर रहे हैं, ये अगला आसन जिसमें नी, चेस्ट, चिन फ्लोर पे होगा और आप सामने की तरफ देख रहे होंगे। जब ये आसन करेंगे तो जो आपका ब्रेथ का मूवमेंट है वो स्टिल रहेगा, यानी कि जब आप साष्टांग आसन कर रहे हैं तो उसमें आपको ना ही ब्रीद इन करना है और ना ही ब्रीद आउट करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जब आप साष्टांग आसन कर रहे हैं तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट नहीं होगा। साष्टांग आसन के बाद जो अगला आसन आप करेंगे, देखिए मैं दंडासन से साष्टांग आसन में आई, साष्टांग आसन के बाद मैं करूँगी भुजंग आसन। अब भुजंग आसन कैसे करना है, आप ऐसे साष्टांग आसन में हैं, आपने अपने घुटनों को रिलीज करते हुए अपनी बॉडी को ऐसे मूव करते हुए आगे की तरफ ऊपर ले जाना है और भुजंग आसन। भुजंग आसन में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो आपके हाथों में फील हो रहा होगा, इसके अलावा आपको प्रेशर आपकी बैक में, स्पाइन में फील हो रहा होगा, क्योंकि भुजंग आसन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ स्ट्रेंथन होता है या प्रेशर कहीं पर फील होता है या किसी मसल का या किसी बोन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो बैक मसल और बैक बोन का है।